वेलकम वेलकम स्कीना के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन बिरयानी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे थम्स दें। अब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, मैं अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू नज़ला, मेरे गले में पेन बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने कहा मेरी वीडियो मिस ना हो, देखिए मैं इस हालत में भी उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना ली। तो अब आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, गुड लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अच्छा सा कमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई मेरे साथ हैं। अच्छा से कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए रेसिपी की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है, इसके अंदर मैं बादाम के फूल डाल रही हूँ। मेरे पास पूरे पूरे नहीं थे ऐसे तो मैंने यही ले लिए। तेज़पात के पत्ते और ज़ीरा 1 टेबलस्पून, ये देखें। और ये है ग्रीन कार्डमम डाल रही हूँ 4, ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और मुझे ये वाइट चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए मैंने 1.5 kg चिकन लिया है, जिससे मैं इसमें डाल देती हूँ। और मैं इसको कर लेती हूँ, ये देखें। ये हम सब को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुन्ना को, मुझे, पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद है। हम ये बहुत शौक से खाते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तक चिकन को हम फ्राई कर लेते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं कर सकता हो जाता, तब तक मैं इधर आती हूँ। इधर आ जाती हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने 6 गिलास पानी डाला है क्योंकि मेरे 3 गिलास चावल है। इसके अंदर मैं ये चीज़ें डाल देती हूँ। देखिए मेरे पास लौंग है और सिनेमम है, काली मिर्चें हैं, ये इलायची है, ग्रीन इलायची, और सब बादाम के फूल हैं और तेज़पत्ता है। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। देखिए इधर जो था मैंने वाटर को अच्छे से कर दिया था और देखें इसका कलर जो है चेंज हो चुका है हल्का सा। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं सब। मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। ये देखें अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी जो यूं हैं। देखें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून वाइट पेपर। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके अंदर ब्लैक पेपर जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। इसके अंदर योगर्ट ऐड कर देती हूँ। ये देखें अभी तो मेरी मम्मा ही मुझे बताती हैं ये करना है ये करना है, उसी से उन्हीं से मैं रेसिपी सीख कर बनाती हूँ। वो मुझे साथ साथ बता रही होती हैं
कि ये डालना हो वो डालो। तो अभी तो मैं छोटी हूँ, मुझे पता नहीं है क्या क्या चीज़ें डलती हैं। अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहेंगे, मुझे वेल डन शाबाश बोलते रहेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन मैं खुद रेसिपी बनाऊंगी मम्मा से पूछे बगैर। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर भी 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स करती हूँ और मैं इसके अंदर थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। देखिए इसके अंदर जो थे मैंने राइस डाल दिए थे। मैं फ्राई अनियंस डाल रही हूँ, मैंने पहले फ्राई कर लिए थे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज टेस्ट के लिए। ये देखिए इसके अंदर मैं पुदीना डाल रही हूँ ऐसे ही थोड़ा सा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं मिल्क डाल रही हूँ। आप कोई सा भी मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपने लिए चाय वाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब मैं एक बड़े मज़े से चटनी बनाने लगी हूँ जो मैं उसके अंदर डालूँगी। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 इलायची का पाउडर, मतलब उसको मैंने पीस लिया था 1/2 टीस्पून, एंड जावित्री और जायफली का मैंने पाउडर लिया है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। पहले इसके अंदर मैं काजू का पाउडर डालूँगी 3 टीस्पून। फोर डालूँगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कितनी खुश है ये देखें। ये जो बीच में खुशबू और टेस्ट देगा ये इतने मज़े का होगा बीच में डालने के बाद। आप लोग ये ज़रूर डालीजिएगा। ये भी बेचारे कंफ्यूज हो गए हम मीठे में जा रहे हैं क्या खट्टे में, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में डलते हैं मगर हम इनको राइस में डालेंगे, मतलब बिरयानी में, वाइट चिकन बिरयानी। अब मैं इसके अंदर वो पेस्ट डाल रही हूँ जो मैंने बनाया था। मम्मी काजू का पेस्ट मैं सारा इसके अंदर डाल देती हूँ। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की आएगी। इसको मैं मिक्स करती हूँ। मुझे कुकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं 1/2 टेबल स्पून केवड़ा डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, किसी को लाइट पसंद है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आप जितना चाहें डाल सकते हैं। हमारे जो राइस है वो बिल्कुल रेडी हैं, उनको मैंने निकाल लिया है। मैं इसके अंदर 1/2 कौरमा डाल रही हूँ। देखिए मैं सारा 1/2 कौरमा जो है इसके अंदर डाल देती हूँ। 1/2 राइस डाल रही हूँ। ये देखें इसके अंदर मैं लेमन जो हूँ वो डाल रही हूँ।
कि इसके अंदर मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ। देखें हाफ में डाल रही हूँ। पहले मैंने जो थे राइस डाले के नीचे मैंने ये चिकन डाला था, उसके ऊपर फिर मैंने राइस डाले, फिर पुदीना धनिया डाला, फिर इसके ऊपर मैंने लेमन का जूस डाला, फिर मैंने इसके ऊपर फ्राई प्याज डाला मतलब फ्राई अनियंस, उसके बाद मैंने इसके ऊपर चिली डाली ग्रीन चिली, इसके बाद मैंने फिर इसके ऊपर कोरमा डाला। अब इसके ऊपर मैं फिर राइस डालूंगी। देखें इसके ऊपर मैंने फिर चिकन डाला, उसके ऊपर पुदीना और धनिया डाला मैंने, इसके ऊपर फिर सारे मैंने राइस डाल दिए। अब इसके ऊपर मैं फिर डालूंगी ये देखें अब मैं इसके ऊपर फिर चिकन डाल रही हूँ। देखें इसके अंदर अब मैं फिर से पुदीना धनिया डाल रही हूँ। अभी मैंने धनिया डाला, अब मैं इसके ऊपर फिर अब पुदीना डालूंगी। अब इसके ऊपर मैं प्याज डालूंगी। मैं पहले ये सारा मिंट डाल देती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है। अब मैं इसके ऊपर लेमन डालूंगी। अब देखें मैंने सारा पुदीना डाल दिया। अब मैं इसके अंदर फ्राई अनियंस डाल रही हूँ। जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें। अब देखें मैं चावलों के लिए ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। मैंने ऑयल डाला। अब मैं हूँ इसके ऊपर कैप दे रही हूँ। अब बस हमारी फिर रेडी है और मैं इसके लिए साथ बनाऊंगी सलाद। ये देखें ये सिंपल मैंने बनाया है। ये जो इन वाइट चिकन बिरयानी के साथ ये रायता आप बनाएं, आपको मज़ा ना आया ना आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, अच्छा सा कमेंट करके। असल में अभी जो है राइस रेडी हो रहे हैं और मैंने सिंपल इसके अंदर योगर्ट के अंदर अनियंस क्यूकम्बर एंड टोमेटोज डाले और थोड़ा सा सॉल्ट। वो लोग जो बीच में ब्लैक पेपर ज़ीरा वीरा बीच में डाल देते हैं वो इनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये वाला अगर आपको रायता ना अच्छा लगे ना फिर आपने मुझे बताना है, बहुत मज़े का लगेगा। फिर जब हमारे राइस हो जाएंगे तो मैं इनको फिर डिश आउट करूँगी। यम्मी लग रहा है मुझे तो। तो व्यूवर्स ये देखें कितने ही मज़ेदार की लग रही है हमारी वाइट चिकन बिरयानी, यमी यमी। और मैं अब आपको थोड़ी सी डाल के टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। रायते के बगैर तो अधूरी है, मैंने आपको बताया है। आई अगेन टेस्ट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लगता है बेचारी नाराज हो गई है।
इतने मजे की बनी है, इतने मजे की बनी है, क्या बताऊं मैं आपको। इसे कहते हैं मेहनत का मीठा पल पल। अब मैं आपके लिए टेस्ट करती हूं। वाह, क्या हो रहा है? तारी नाराज हो गई है मुझे लगता है। इतने मजे की बनी है, इतने मजे की बनी है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मजे की बनी है, आपकी बारी में ज्यादा मजा आता है मुझे, ये आप सब लोगों को पता है। बहुत मजे की बनी है। तो ये थोड़े से गल गए थे मगर ये बहुत ही ज्यादा मजे के बने, इतने मजे के मैं आपको क्या बताऊं। ये क्रीमी क्रीमी बने हैं, जो हमने इसके अंदर क्रीम डाली थी कौरमे के अंदर, मतलब कौरमे के अंदर जब हम इसका पेस्ट बना रहे थे तो वो क्रीमी क्रीमी आ रहे हैं और इतने मज़े के आ रहे बने हैं। मेरी आज से भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस वजह से। आई होप ये इसकी सारी खुशबू मोहल्ले तक जा रही है, मुझे पता है सारी जा रही है। और आप लोग भी बनाएंगे ना तो आपके घर के मतलब नेबर्स आ जाएंगे आपके पास और कहेंगे क्या क्या बनाया, मुझे भी बताओ क्या बनाया, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की आ रही है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप मेरे लिए खुशी दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। यहीं भी मेरा ब्लॉग एंड होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा अच्छा कमेंट पसंद आए तो लाइक करें, ना आए तो भी लाइक कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा मजे के बने, एक और बाइट। बहुत ही ज्यादा मजे के बने हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, आप लोगों की तरफ से मेरे लिए ढेर सारे सब्सक्राइबर। बाय बाय, खुदा हाफिज़।